अब देखिए दोस्तों, ये तो आपके सामने आया अभी कुछ दिनों पहले, छठा नियोजन जो चल रहा था आपका शिक्षकों का, वो पूरा हुआ है। यानी कि बहुत दिनों के बाद उन लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पद पर भी अब शुरू हो गया, और ये आज एक लाइब्रेरियन के पद पर आ रहा है। यानी अब जो सातवें चरण के लिए जो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी भी इंतज़ार की घड़ी लगता है कि जल्दी ख़त्म होगी। और मैं अपने शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह भी करूंगा कि उनका भी इंतज़ार ख़त्म हो, इसके लिए भी आप लोग सोचें, क्योंकि वो भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। छठी प्रक्रिया में बहुत समय लग गया, नहीं तो सातवीं प्रक्रिया हो चुकी होती। तो आप सभी भी निराश ना हो, आपके लिए जल्दी आएगा। आने वाला जो क्षण होगा उसमें आपके लिए सातवां चरण भी शुरू होगा, स्टेट भी शुरू होगा, और इसका विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी भी है कि जल्दी जल्द इसकी भी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो आप सभी हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखते रहें, और इसको लाइक और शेयर भी करते रहें। हम आपके साथ बने हुए हैं। अब आपके सामने अपने चैनल लेट्स डू पर एक बहुत ही हॉट न्यूज़ और बहुत ही समझिए तो रिसेंट एक नया न्यूज़ लेकर के आपके सामने आया हूँ, जिसमें एक वीडियो बनाया गया है। बहुत अच्छी बात है हम सबों के लिए, और एक बहुत खुशखबरी की बात है कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं हम बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए सोच रही है। ऐसे जो बेरोज़गार युवा हैं उनके लिए कुछ ना कुछ पद का सृजन करते जा रही है, और सब धीरे धीरे निकाल रही है। उम्मीद भी हम यही करते हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद भी देते हैं, शिक्षा मंत्री को भी, इसी तरीके से सबको धीरे धीरे निकाल करके उस चीज़ को भरे, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनको भी लाभ हो, और जो शिक्षक पद पर जाने वाले हैं या जो बेरोज़गार युवा हैं उनको भी एक दिशा प्राप्त हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने एक बहुत बड़ा न्यूज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि बिहार में 14 साल के बाद लाइब्रेरियन के कुल 893 पद पर होने जा रही है भर्ती, 893। और सही में दोस्तों, ये जो लाइब्रेरियन के पद पर जो भर्ती होने वाली है, वो काफ़ी समय से रुका हुआ था। कहीं ना कहीं कोई वजह रही होगी, और सरकार के पास भी कुछ इस तरह का अड़चन रहा होगा जिसकी वजह से नहीं निकाला जा रहा था। लेकिन अब ये खुशखबरी आ चुकी है, अब लाइब्रेरियन के पद पर बहाली होने जा रही है। और बहुत अच्छी बात है कि हर विद्यालय को एक लाइब्रेरी की आवश्यकता भी है, और वहाँ पे एक कुशल लाइब्रेरियन होंगे तो बच्चों को दिक्कत भी नहीं होगी, और उन्हें लाइब्रेरियन के द्वारा जो माहौल उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें वो अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे, और विद्यालय के अंदर पुस्तकों का रखरखाव भी अच्छे से होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, 14 साल बाद एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं श्री विजय कुमार चौधरी जी, बहुत अच्छी बात है। और ये हम लोगों के पास एक नया वैकेंसी प्राप्त हुआ है, इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और इनमें इस बहाली प्रक्रिया में जो भी आएंगे उनके लिए मैं एक शुभकामना देता हूँ कि आप लोग आज से तैयारी में जुट जाएं, और हम लोग आने वाले वीडियो में आपको इससे जुड़े हुए, अगर इसका एग्ज़ाम होगा, इसका परीक्षा होगा, इसका भी कुछ ना कुछ पात्रता परीक्षा होगा, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत भी आ सकती है, तो उसके लिए हम वीडियो देंगे और आपको गाइडलाइन देते रहेंगे कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, प्रश्नों से भी अवगत कराएंगे। तो हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहेंगे, कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।